बच्चों, एक्सपोर्ट फाइनेंस के टू पार्ट हमने पढ़ लिए थे, प्री शिपमेंट क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग। फैक्टर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो एक्सपोर्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करता है। फैक्टर एक्सपोर्टर के लिए एज ए एजेंट काम करता है। तो हम आज देखते हैं फैक्टर मैकेनिज्म, किस तरह से फैक्टर एक्सपोर्टर को एडवांस प्रोवाइड करता है। तो एक एक्सपोर्टर है, दूसरी कंट्री का इंपोर्टर है। एक्सपोर्टर ने क्रेडिट पर गुड्स सेल करनी है इंपोर्टर को। तो एक्सपोर्टर ने अगर क्रेडिट पर गुड्स इंपोर्टर को सेल कर दिए और इंपोर्टर ने अगर पेमेंट ना की, तो एक्सपोर्टर के लिए रिस्क क्रिएट हो गया। इसके अलावा एक्सपोर्टर ने अगर गुड्स क्रेडिट पर इंपोर्टर को दे दी, तो इंपोर्टर से जो पेमेंट है वो बाद में आएगी, और इस दौरान एक्सपोर्टर को फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होगी। तो इस केस में एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एग्रीमेंट करेगा और इंपोर्टर के बारे में सारी डिटेल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बताएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंपोर्टर की कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ढूंढेगा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में बता सके। तो इंपोर्टर का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में एक्सपोर्टर के फैक्टर को बताएगा। ये फैक्टर अब उस इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में एक्सपोर्टर को बताएगा। अभी आप इंपोर्टर को क्रेडिट पर गुड्स दे दीजिए, इंपोर्टर की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो ठीक है, तो एक्सपोर्टर क्रेडिट पर गुड्स इंपोर्टर को दे देगा। अब एक्सपोर्टर क्या करेगा, वो जो गुड्स क्रेडिट पर इंपोर्टर को दी गई हैं उनका बिल एंड जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देगा, फैक्टर को देगा। तो ये फैक्टर उन शिपिंग डॉक्यूमेंट और बिल के बिहाफ पर जितनी अमाउंट का बिल है उस अमाउंट का 70-80% जो क्रेडिट है वो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कर देगा, और वो जो शिपिंग डॉक्यूमेंट हैं और जो वो बिल रिसीवेबल है वो एक्सपोर्टर का फैक्टर अपने पास रख लेगा। तो इस तरह से जो फैक्टर है वो एक्सपोर्टर को क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, किस बिहाफ पर, बिल रिसीवेबल्स एंड शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर। अब फर्दर ये जो फैक्टर है वो क्या करेगा, वो शिपिंग डॉक्यूमेंट और जो बिल रिसीवेबल्स हैं वो किसको देगा, इंपोर्टर के फैक्टर को देगा। फर्दर इंपोर्टर का फैक्टर वो बिल और जो शिपिंग डॉक्यूमेंट है वो किसको दिखाएगा, इंपोर्टर को दिखाएगा, और इंपोर्टर से जो पेमेंट है वो ले लेगा ड्यू डेट पर, मतलब जो ड्यू डेट है बिल रिसीवेबल की। तो जब इंपोर्टर के फैक्टर को इंपोर्टर से पेमेंट मिल जाएगी, तो इंपोर्टर का फैक्टर वो पेमेंट किसको देगा, एक्सपोर्टर के फैक्टर को देगा। अब एक्सपोर्टर का फैक्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर के फैक्टर ने जो एडवांस एक्सपोर्टर को दिया था 70-80%, वो एक्सपोर्टर का फैक्टर क्या करेगा, उस एडवांस को, उस क्रेडिट को मतलब काट लेगा विद इंटरेस्ट, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो एक्सपोर्टर को दे देगा। तो इस तरह से जो फैक्टर मैकेनिज्म है वो काम करता है, और इस तरह से जो फैक्टर है वो एक्सपोर्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ये वाला जो मेथड है ये विद रिकोर्स है। फैक्टर के टू टाइप्स होते हैं, विद रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स। तो विद रिकोर्स में अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं करता है तो जो रिस्क बियर करना पड़ता है नॉन पेमेंट का, वो एक्सपोर्टर को बियर करना पड़ता है। यहाँ पर इस केस में जो रिस्क है नॉन पेमेंट का, अगर इंपोर्टर ने पेमेंट ना की तो जो रिस्क है वो किसको बियर करना पड़ेगा, एक्सपोर्टर को बियर करना पड़ेगा। और जो एक्सपोर्टर का फैक्टर है, इसने जो क्रेडिट दी थी एक्सपोर्टर की, ये जो फैक्टर है वो किससे लेगा, वो क्रेडिट किससे कवर करेगा, एक्सपोर्टर से कवर करेगा अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं करता तो। इसी तरह से दूसरा जो है विदाउट रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स में जो एक्सपोर्टर का फैक्टर है वो नॉन पेमेंट का रिस्क खुद बियर करता है। इस केस में क्या करता है, एक्सपोर्टर का फैक्टर एक्सपोर्टर से बिल्स को परचेज कर लेता है, और अपने आप जो एक्सपोर्टर का फैक्टर है वो इंपोर्टर के फैक्टर के थ्रू इंपोर्टर से पेमेंट लेता है। अगर इंपोर्टर पेमेंट किसी केस में ना भी करे तो जो रिस्क होगा वो किसको बियर करने पड़ेगा, एक्सपोर्टर के फैक्टर को बियर करना पड़ेगा। तो विदाउट रिकोर्स के केस में
नॉन पेमेंट का रिस्क जो बियर करना पड़ता है वो एक्सपोर्टर के फैक्टर को करना पड़ता है, और विद रिकोर्स के केस में किसको बियर करना पड़ता है, नॉन रीपेमेंट का रिस्क वो एक्सपोर्टर को बियर करना पड़ता है। तो इस तरह से फैक्टर जो है दोनों सिचुएशंस में इस तरह से काम करता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय फैक्टर। फैक्टर के द्वारा कौन कौन सी जो सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्टर को दी जाती हैं। फर्स्ट है कवरेज ऑफ क्रेडिट रिस्क, मतलब क्रेडिट रिस्क का रिस्क को कवर करता है। एक्सपोर्टर ने जो गुड्स क्रेडिट पर दी हैं तो जो क्रेडिट रिस्क राइज हुआ है उसको कवर करता है, क्योंकि एक्सपोर्टर का फैक्टर इम्पोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में इम्पोर्टर के फैक्टर से पूछ लेता है। इसके अलावा विदाउट रिकोर्स के केस में अगर पेमेंट नहीं भी आती इम्पोर्टर से तो वो जो रिस्क है वो कौन लेता है, कौन बियर करता है, एक्सपोर्टर का फैक्टर बियर करता है। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, जो भी गुड्स क्रेडिट पर सेल की हैं तो उनकी जो पेमेंट कलेक्ट की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, फैक्टर के द्वारा की जाएगी, एक्सपोर्टर के फैक्टर के द्वारा। इसी तरह से मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो भी एक्सपोर्टर के फैक्टर के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। इसके अलावा एडवांस ऑफ फंड्स, एक्सपोर्टर का फैक्टर क्या करता है, एक्सपोर्टर को एडवांस प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है शिपिंग डॉक्यूमेंट एंड बिल रिसीवेबल के बिहाफ पर। इसके बाद है, इसको हम थोड़ा डीपली देख लेते हैं, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग का। फैक्टरिंग इज द मैकेनिज्म वेयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बायस एंड डिस्काउंट द बिल रिसीवेबल्स। फैक्टरिंग क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है एक्सपोर्टर का फैक्टर, क्या करता है एक्सपोर्टर का फैक्टर, बिल्स को बाय करता है या फिर डिस्काउंट करता है, किससे, एक्सपोर्टर से। मतलब जो फैक्टर है एक्सपोर्टर का वो क्या करता है, बिल्स को बाय या डिस्काउंट करता है एक्सपोर्टर से। तो ये जो फैक्टरिंग है वो दोनों टाइप का हो सकता है, विद रिकोर्स भी हो सकता है और विदाउट रिकोर्स भी हो सकता है। इसके बाद इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं एक्सपोर्ट फैक्टरिंग के। जैसे फर्स्ट बता रखा है इन्होंने भी, ये जो फैक्टरिंग मेथड है वो एक्सपोर्ट फाइनेंस का अट्रैक्टिव मेथड है। इसी तरह से फैक्टर जो है एक्सपोर्टर के लिए एज ए एजेंट काम करता है। इसके बाद इसका प्रोसेस बता रखा है, इस प्रोसेस में क्या करता है, एक्सपोर्टर फैक्टर के साथ एक एग्रीमेंट करता है। एग्रीमेंट होने के बाद एक्सपोर्टर क्रेडिट पर गुड्स जो है इम्पोर्टर को डिस्पैच कर देता है। इसके बाद एक्सपोर्टर का फैक्टर क्या करता है, कॉपी ऑफ इनवॉइस एंड जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसको भेज देता है, इंपोर्टर के फैक्टर को भेज देता है, और उन शिपिंग डॉक्यूमेंट और कॉपी ऑफ इनवॉइस के बिहाफ पर एक्सपोर्टर का फैक्टर एक्सपोर्टर को क्या प्रोवाइड कर देता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है। इसके बाद जब जो इम्पोर्टर का फैक्टर है उसको जब ड्यू डेट पर पेमेंट मिल जाती है उन क्रेडिट गुड्स की, तो इंपोर्टर का फैक्टर क्या करता है, उस पेमेंट को किसके पास सबमिट कराता है, एक्सपोर्टर के फैक्टर के पास सबमिट कराता है। अब एक्सपोर्टर का फैक्टर क्या करेगा, जो एक्सपोर्टर के फैक्टर ने क्रेडिट दी थी, एडवांस दी थी एक्सपोर्टर को, वो उस क्रेडिट को डिडक्ट कर लेगा और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो किसको पे कर देगा, एक्सपोर्टर को पे कर देगा। तो ये हैं कुछ फीचर्स एक्सपोर्ट फैक्टरिंग के। इसके बाद है टाइप ऑफ फैक्टरिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया टू टाइप्स का फैक्टरिंग होता है, विद रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स में अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं करता, नॉन पेमेंट के केस में जो रिस्क बियर करना पड़ता है वो एक्सपोर्टर को ही बियर करना पड़ता है। इसके बाद विदाउट रिकोर्स, यहाँ पर अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं करता तो उसका जो रिस्क बियर करना पड़ेगा वो किसको करना पड़ेगा, फैक्टर को बियर करना पड़ेगा। तो टू टाइप्स के फैक्टरिंग होती है, विद रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स। इसके बाद है एक्सपोर्ट फोरफिटिंग। एक्सपोर्ट जो फोरफिटिंग है वो बिल्कुल फैक्टरिंग की तरह ही काम करता है, बट इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं एक्सपोर्ट फोरफिटिंग का। फोरफिटिंग इज द मैकेनिज्म बाय विच द राइट ऑफ एक्सपोर्टर ऑन एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स इज परचेस्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विदाउट रिकोर्स टू एक्सपोर्टर। ये क्या कहता है, फोरफिटिंग क्या है कि मैकेनिज्म है जहाँ पर एक्सपोर्टर का जो राइट है एक्सपोर्ट रिसीवेबल का वो किसके द्वारा परचेज कर लिया जाता है, फैक्टर के द्वारा परचेज कर लिया जाता है। किस केस में, विदाउट रिकोर्स टू एक्सपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स जो हैं एक्सपोर्टर के, वो एक्सपोर्ट रिसीवेबल किसके द्वारा परचेज कर लिए जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फैक्टर के द्वारा परचेज कर लिए जाते हैं।
इसमें क्या करता है, जो फैक्टर है वो मतलब 100% जो पेमेंट है वो एक्सपोर्टर को कर देता है, और एक्सपोर्टर के जो बिल रिसीवेबल हैं वो फैक्टर खुद ले लेता है। अब फैक्टर की खुद की जिम्मेवारी रह गई, इंपोर्टर से पैसे जो है वो अपने आप लेगा। तो इस केस में जो अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं भी करता तो इस केस में जो रिस्क बियर किया जाएगा वो फैक्टर के द्वारा बियर किया जाएगा। तो फोरफेटिंग में क्या होता है, भी जो बिल रिसीवेबल होते हैं एक्सपोर्टर के, वो किसके द्वारा परचेज कर लिए जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, फैक्टर के द्वारा परचेज कर लिए जाते हैं, और फैक्टर क्या करता है एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देता है उस बिल की। तो जो डिफरेंस है फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग में वो माइनर सा है। जैसे जो फैक्टरिंग यूज़ की जाती है, फैक्टरिंग के केस में जो क्रेडिट दी जाती है एक्सपोर्टर को वो शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है, और जो फोरफेटिंग है इसमें जो क्रेडिट दी जाती है एक्सपोर्टर को वो मीडियम या लॉन्ग रन के लिए दी जाती है। इसके अलावा जो फैक्टरिंग है वो दोनों टाइप का हो सकता है, विद रिकोर्स भी हो सकता है और विदाउट रिकोर्स भी हो सकता है। इसी तरह से जो फोरफेटिंग है वो विदाउट रिकोर्स ही होता है। तो ये माइनर डिफरेंस है, फोरफेटिंग बिल्कुल फैक्टरिंग की तरह ही काम करता है, बस डिफरेंस यही है भी जो फैक्टरिंग है वो शॉर्ट रन के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करता है, और ये दोनों टाइप का हो सकता है, विद और विदाउट रिकोर्स, और जो फोरफेटिंग है वो मीडियम एंड लॉन्ग रन के लिए प्रोवाइड करता है और विदाउट रिकोर्स ही होता है।